आप देख रहे हैं तेज खबर 24, मैं हूं आपके साथ विकास। जबलपुर के रांची थाना क्षेत्र चुंगी नाका में उस समय अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो गया जब अचानक राहगीरों ने गोली चलने की आवाज सुनी। बीच बाजार में गोली चलने की घटना से आसपास के लोग दहशत में आ गए। बताया जाता है कि हनी पोटरी शॉप स्थित शोभित यादव निगम की जमीन पर चाइनीज का ठेला लगाने को लेकर हनी पोटरी शॉप के पास साफ सफाई कर रहा था, तभी हनी पोटरी शॉप के दिशांत खान ने शोभित यादव व उनके साथियों से जानकारी लेनी चाही कि निगम की जमीन पर क्या किया जा रहा है, जिसको लेकर शोभित यादव व उनके साथियों द्वारा दिशांत खान पर हमला कर दिया गया। ये जो है मामला, मेरी दुकान के सामने एक जगह खाली पड़ी है जो सार्वजनिक है, नगर निगम की खाली जमीन पड़ी है, और ये आदतन अपराधी हैं इन लोग, बाबू सोनकर, आकाश सोनकर और ये तुम्हारे से अन्य 8-10 लोग जने हैं, तो इन लोग आके वहाँ पे कब्जा करना चाहते हैं। उस चीज़ को लेके मैंने मना करा तो उसी में इन लोगों ने आके 15-20 लोग आके इन लोगों ने हाथापाई करी है मामला। तो किस वजह से इन लोग वो जमीन को लेके, खाली जमीन पड़ी है, नगर निगम की जमीन खाली पड़ी हुई है, खाली एरिया, उसी को लेके विवाद हुआ है। हमला भी किया क्या कहते हैं? हाँ, वो 8-10 लोग आके मेरे भतीजे के ऊपर हमला करे और मेरे ऊपर। कौन कौन लोग थे ये? इसमें बाबू सोनकर था, विवेक सोनकर था और शोभित यादव था, पिंटू सोनकर था, राज सोनकर था, राहुल सोनकर था। वहीं मारपीट होता हुआ देख दिशान के चाचा उसे बचाने आए तो उनके ऊपर भी शोभित यादव और उसके साथियों ने हमला कर घायल कर दिया। इधर घटना के दौरान अपनी जान बचाने के लिए दिशान खान ने घर से लाइसेंसी बंदूक लाकर हवाई फायर किया, जिसके चलते शोभित यादव और उसके साथी वहां से भाग खड़े हुए। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने विवाद करने वाले दोनों पक्षों को थाने ले गई, जहां मारपीट में घायल हुए रहीश खान व दिशान खान का मेडिकल कराया है। घटना को लेकर रांची थाने के CSP ने बताया कि चुंगी नाका में दुकान लगाने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया था, जिसमें शोभित यादव द्वारा मारपीट किए जाने की बात सामने आ रही है। सर, अभी कुछ विवाद हुआ रांची थाना अंतर्गत था अंदर चुंगी चौकी में, करीब 1:30 बजे मेन रोड में एक चीफ के हटाने के, चीफ के विवाद पर से दो पक्षों में विवाद हुआ। दिशान खान और शोभित यादव, इनके बीच में मारपीट हुई और उसके बाद में शोभित यादव को चोट आई और दिशान यादव को चोट आई, तो दोनों को मिलाज के लिए भेजा गया है। सर, कितने हमला किए? ये शोभित यादव वगैरह ने हमला किया था जीशान पर, और फिर जीशान ने भी जो है फायर किया, अपने एक हवाई फायर किया है। घायल भी? घायल तो साधारण चोट है,